गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है हमारी कक्षा 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक चैप्टर 9 साहसी यतीन। साहसी यतीन एक लड़के की कहानी है, तो देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। बंगाल में हुगली नदी के तट पर कृष्णा नगर नाम का एक शहर है। बंगाल में एक हुगली नदी है, उसके तट पर कृष्णा नगर नामक एक शहर है। पहले यह शहर एक छोटा सा कस्बा था, मतलब पहले जो ये शहर बना हुआ था वो कस्बा था, मतलब छोटे गांव था। कृष्णा नगर में एक विद्यालय था जिसमें आसपास के गांवों के बच्चे आकर पढ़ा करते थे। इसी विद्यालय में 10वीं कक्षा में एक बच्चा केया नामक गांव से पढ़ने आता था। कृष्णा नगर एक शहर में स्कूल था, उसमें अलग अलग गांवों से बच्चे पढ़ने आते थे, तो एक यतीन नाम का लड़का भी आता था केया गांव से। आगे पढ़ते हैं। बालक यतीन ना केवल पढ़ने लिखने में होशियार था, बल्कि खेलकूद और अन्य कार्यों को करने का भी शौकीन था। मतलब उसे पढ़ना लिखना बहुत पसंद था और खेलकूद में भी वो अपनी पूरी भागीदारी दिखाता था। वह विद्यालय के ही छात्रावास में रहता था, मतलब विद्यालय में हॉस्टल्स होते हैं उसको बोला गया है, या छात्रावास, तो विद्यालय में ही वो रहता था। एक दिन यतीन हुगली नदी के तट पर संध्या को भ्रमण के लिए गया। तो यतीन एक दिन शाम के टाइम संध्या मतलब शाम को हुगली नदी के तट पर गया था भ्रमण करने के लिए। भ्रमण मीन्स घूमना। वहाँ एक वृद्धा घास का गट्ठर लिए खड़ी थी। वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत, देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये रही बूढ़ी औरत। उसका गट्ठर काफ़ी भारी था, वह उसे उठा नहीं पा रही थी। उसने वहाँ से गुजरने वाले अनेक लोगों से गट्ठर उठाने में सहायता करने के लिए कहा, पर किसी ने भी उसकी मदद बात नहीं सुनी। मतलब उस वृद्धा की किसी ने घास के गट्ठर को उठाने में मदद नहीं की। फिर बालक यतीन वृद्धा के पास पहुंचा। उसने वृद्धा से पूछा, क्या बात है माँ? वृद्ध ने यतीन से गट्ठर उठवाने के लिए कहा। यतीन ने तत्काल घास के गट्ठर को उठाया और पर बहुत भारी था। वो यतीन उस वृद्धा को देखकर उसके पास गया और उसने क्या किया, घास के गट्ठर को उठा लिया। वो गट्ठर बहुत ही भारी था। यतीन ने यह सोचकर कि वृद्धा माँ यह घास का गट्ठर ना उठा सकेगी, उसने उसे स्वयं ही सिर रख लिया। उसने वृद्धा माँ की, बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए वो घास का गट्ठर अपने सर पे उठा लिया। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो बेटा? वृद्धा ने कहा। वृद्धा बोलती है, अरे अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? रहने दो माँ। फिर ये बोलता है यतीन कि रहने दो माँ, यह गट्टर बहुत भारी है, इसे उठाने में तुम्हें कष्ट होगा, मैं ही इसे तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। तो वो कहता है कि मैं ही इस गट्टर को ले चलता हूँ। यह कहकर यतीन वृद्धा के आगे आगे चल पड़ा। वृद्धा के लाख कहने पर भी यतीन ने गट्ठर वृद्धा को नहीं दिया और उसके घर पहुँचा दिया। वृद्धा ने यतीन को आशीर्वाद दिया। अब उसने अपनी मदद के बदले वृद्धा ने आशीर्वाद दिया, किसको? यतीन को। ये पहली स्टोरी इतनी थी कि यतीन ने वृद्धा की मदद की। अब ये सेकंड स्टोरी है यतीन की। रविवार का दिन था, दोपहर का समय था। यतीन अपने छात्रावास में बैठकर पढ़ रहा था। जो यतीन है दोपहर के समय अपने छात्रावास, मतलब अपने जहाँ पर वो रहता था विद्यालय में, वहाँ पर बैठकर पढ़ रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा, एक अंग्रेज ने किसी नारियल वाले से 3 नारियल लेकर उसका पानी पी लिया था और पैसे मांगने पर उसे पीट रहा था। एक नारियल वाला था जिसने अंग्रेज को 3 नारियल बेचे थे और वो पानी पैसे देने से इनकार कर रहा था। तो ये सब यतीन ने खिड़की से देखा। बालक यतीन से यह अन्याय नहीं देखा गया, उसे यह अन्याय नहीं देखा गया, अन्याय मतलब बुरा। वह उठा और वहाँ आकर उसने अंग्रेज से नारियल वाले को पैसे देने के लिए कहा। अंग्रेज भला उसकी बातें क्यों सुनता?
उसको तो राज था, एक हिंदुस्तानी लड़का उसे इस तरह की बातें कहे, यह उसे कैसे बर्दाश्त होता। बर्दाश्त मतलब सहन। तो जब यतीन उसको बोलता है कि उसके पैसे वापस दे दो, तो अंग्रेज़ फिर भी नहीं मानता। उसने यतीन पर गुस्से का वार कर दिया, गुस्से का वार कर दिया मतलब उसको पीटने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर क्या था, यतीन ने उस अंग्रेज़ को नीचे गिराकर उसके डंडे से जमकर पिटाई की। फिर यतीन ने क्या किया, उसकी डंडे से जम के पिटाई की, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है आपको। यतीन ने नारियल वाले को पैसे दिलवा कर ही उसे छोड़ा। तो यतीन ने आखिरकार अंग्रेज़ को पीट कर नारियल वाले को पैसे दिला दिए। ये हमारी सेकंड स्टोरी थी। अब थर्ड, एक दिन वन में घूमते घूमते यतीन का एक खुकार बाघ से सामना हो गया। दिख रहा है ना बाघ, और ये है हमारा यतीन। यतीन इसका मतलब जंगल में एक दिन खुकार बाघ मिल गया। खुकार होता है भयानक, डेंजरस। यतीन ने उस बाघ को मार डाला। क्या किया, यतीन ने उस बाघ को मार दिया। उस समय यतीन की आयु केवल 16 वर्ष की थी। जब उसने बाघ को मारा तो वो कितने साल का था, 16 वर्ष का। आगे चलकर यही बालक महान क्रांतिकारी बना। यही बालक यतीन आगे जाकर क्या बना, महान क्रांतिकारी बना और यतीन्द्रनाथ मुखर्जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, यतीन्द्रनाथ मुखर्जी। इस देशभक्त ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। मतलब बाद में इन्होंने देशभक्त के ये एक देशभक्त थे, और उन्होंने अंग्रेज़ों से रक्षा करने के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी, और इनकी मृत्यु हो गई। आज भी यतीन के शौर्य की गाथाएं बंगाल के घर घर में कही जाती है। और आज भी यतीन की शौर्य मतलब वीर गाथाएं बंगाल के घर घर में कही जाती हैं। ये हमारा चैप्टर था। अब आते हैं चैप्टर क्वेश्चन आंसर में। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये है सही उत्तर पर निशान लगाएं। आपको ये जो ऑप्शन दिए हैं में से जो सही है उस पे निशान लगाना है। कृष्णा नगर किस नदी के तट पर बसा है? तो हमने चैप्टर में पढ़ा है जो कृष्णा नगर है वो किसके नदी के, हुगली नदी के किनारे बसा है, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। सेकंड है, वृद्धा क्या लिए खड़ी थी? जो वृद्धा थी वो क्या लिए खड़ी थी, घास का गट्ठर। तो हम यहाँ पे लगा देंगे घास का गट्ठर। नारियल वाले को कौन पीट रहा था, कौन पीट रहा था नारियल वाले को, अंग्रेज पीट रहा था, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। वन के घूमते समय यतीन का सामना किससे हो गया? वन में घूमते समय यतीन ने बाघ, खुकार बाघ से सामना किया था ना, तो बाघ से यहाँ पर हम टिक कर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर देने हैं। क है, यतीन किस गांव से पढ़ने आता था? तो चैप्टर में बताया गया है जो यतीन है वो केया गांव से पढ़ने आता था। किस गांव से, केया गांव से। सेकंड, यतीन को किन किन चीज़ों का शौक था? तो यतीन को पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का शौक था। यतीन ने वृद्धा की सहायता कैसे की? जो यतीन है उसने वृद्धा की कैसे सहायता की? तो यतीन ने वृद्धा की सहायता घास के गट्ठर को सर पर उठाकर की। वो अपने उस गट्ठर को घर पे लेके गया था ना उसके, उसने उसकी हेल्प की ऐसे। अब ये ग है, यतीन ने अंग्रेज को क्यों पीटा? अंग्रेज ने नारियल वाले को पैसे देने से मना कर दिया था, इसलिए यतीन ने अंग्रेज को पीटा। अब अगला है, यतीन बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो पाठ में बताया गया कि यतीन बड़ा होकर यतीन्द्रनाथ मुखर्जी के नाम से जाना गया। आगे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये भरने हैं। फर्स्ट है, हुगली नदी के तट पर डैश नाम का शहर है, तो कौन सा शहर था, कृष्णा नगर। यतीन हुगली नदी के तट पर डैश के भ्रमण के लिए गया, संध्या भ्रमण, शाम के वक्त गया था ना वो।
डैश के यतीन ने डैश उठवाने के लिए कहा। वृद्धा ने यतीन को गट्ठर उठवाने के लिए कहा। यतीन का एक डैश बाघ से सामना हुआ। बाघ कैसा था? खूंखार। खूंखार बाघ से सामना हुआ। अब अगले पे आते हैं। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। आपको दिख रहा है जैसे कि ये बॉक्सेस हैं, ये क्वेश्चंस हैं। आपको जो पढ़ के सही लगे उस पे आप टिक कीजिए और जो गलत लगे उसको क्रॉस कर दीजिए। क है, यतीन ने वृद्धा की सहायता नहीं की। पर ऐसा नहीं है, यतीन ने तो वृद्धा की सहायता की थी ना, तो यहाँ पे हम रोक डाल देंगे। यतीन ने अंग्रेज को खूब पीटा। हाँ, यतीन ने अंग्रेज को खूब पीटा था, तो यहाँ पे राइट। यतीन ने बाघ को नहीं मारा। नहीं, यतीन ने बाघ को मारा था तो ये गलत है। यतीन बड़ा होकर महान क्रांतिकारी बना। हाँ, यतीन बड़ा होकर महान क्रांति बना था। देश के स्वतंत्रता के लिए यतीन ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हाँ, यतीन ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब यह है हमारा भाषा ज्ञान। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम मतलब उल्टे बताना है। सुंदर का उल्टा है बदसूरत, भारी का होता है उल्टा हल्का, क्षमा का होता है क्रोध, चतुर का होता है मूर्ख, अन्याय का होता है न्याय, शांत का विलोम होता है अशांत, संध्या होती है शांत, प्रातः होती है सुबह, तो शाम और सुबह। बाहर का होता है अंदर, वृद्ध का होता है तरुण। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब ये जो आपको पूरा वाक्य दिया गया है ना, इसके लिए सिर्फ एक शब्द लिखना है आपको। छात्रों के रहने का स्थान, जहाँ छात्र रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? छात्रावास। जिसने क्रांति की हो, जो क्रांति करता है उसको क्या बोलते हैं हम? क्रांतिकारी। विद्यालय में पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? विद्यार्थी। जो अन्याय करता हो, अन्याय करता हो तो अन्यायी। ये हमारा चैप्टर यहीं पे, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। अब हम अपनी वर्कशीट करते हैं। दिनांक है 17 और विषय है हमारा हिंदी, कक्षा है दूसरी। कस्बा, पहले प्रश्न पे आते हैं हम। शब्दार्थ लिखो। आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखने हैं। पहला शब्द है हमारा कस्बा। कस्बा किसको बोलते हैं? गांव को। सेकंड है होशियार। होशियार किसको बोलते हैं? समझदार को। भ्रमण, भ्रमण होता है घूमना। फोर्थ है कष्ट। कष्ट मीन्स होता है दुख। फिफ्थ होता है अन्याय। अन्याय होता है गलत करना। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो इसका मीन्स हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। भला, भला होता है सही। आयु होती है उम्र। और शौर्य, शौर्य होता है वीर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र पहचाने। आपको ये चित्र दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इन चित्रों को आपको पहचानना है कि ये क्या है। ये पहला जो चित्र है ये है घास का गट्ठर। क्या है ये? घास का गट्ठर। ये है, ये क्या है आपको क्या दिख रहे हैं? नारियल। और ये है एक बाघ। और ये है एक वृद्धा। वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मिलान कीजिए। आपको ये दिए गए हैं, दोनों तरफ आपको मिलान करना है। हुगली, हुगली इन आपको बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है? हुगली क्या है? हुगली एक नदी है, तो हम हुगली को नदी से मिलाएंगे। केया, केया एक गांव है जिसमें कौन रहता था? यतीन रहता था, तो किया का आएगा गांव। गट्ठर, किस चीज़ का गट्ठर था? घास का। नारियल वाला, नारियल वाला क्या बेचता है? नारियल। खूंखार, खूंखार क्या था? बाघ। तो ये ऐसे मिलान है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, इनको उत्तर देना है। फर्स्ट प्रश्न है, यतीन किस गांव से पढ़ने आता था? तो किस गांव से आता था वो? केया गांव से आता था। यतीन ने वृद्धा की मदद कैसे की? घास का गट्ठर सर पे उठाकर यतीन ने वृद्धा की मदद की। थर्ड है, यतीन को खिड़की के बाहर क्या दिखाई दिया? जब वो छात्रावास में बैठा था तो यतीन ने बाहर खिड़की से बाहर कुछ देखा था,
तो क्या देखा था? तो उत्तर है, यतीन को खिड़की से बाहर एक अंग्रेज और नारियल वाला दिखाई दिया। अंग्रेज नारियल वाले के पैसे नहीं दे रहा था, ये उसने देखा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा फोर्थ, यतीन्द्रनाथ मुखर्जी कौन थे? तो यतीन्द्रनाथ मुखर्जी एक क्रांतिकारी व देशभक्त थे। ये हमारी वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।